खंडवा में लव जिहाद के लंबित मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे। इनकी मांग है कि खंडवा सहित प्रदेश में लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रशासन इन पर विराम लगाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। जो बहनें घर से लापता हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द ढूंढ कर वापस उनके घर लाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता का कहना है कि हमने कई बार पुलिस को शिकायत कर ज्ञापन दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। हालांकि संगठन के लोगों का कहना है कि पुलिस ने कुछ बेटियों को तो ढूंढ लिया है, लेकिन कुछ बेटी अब भी पुलिस की तलाश से दूर है। ऐसी बेटियों को भी पुलिस तुरंत ढूंढकर उनके माँ बाप के पास पहुंचाए। इस दौरान धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश भी जताया। आज हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि निरंतर लव जिहाद की घटनाएं पूरे जिले में बढ़ती जा रही है, जिससे कि हम प्रशासन को बार बार ज्ञापन के माध्यम से और जाके उनको अवगत कराते भी जा रहे थे, जिससे भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण जो पीड़ित नाबालिग लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई है वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। वो इसी कारण हम अनिश्चितकालीन धरने पे आज बैठे हैं। जब तक बहनें नहीं मिलेगी, जब तक हम शासन को हमने चेता दिया था जाके कि जब तक हमारी बहनें नहीं आएंगी जब तक हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमने पहले भी प्रशासन को ज्ञापन और के माध्यम से सूचित किया है कि जिले भर में, नगर के साथ साथ जिले भर में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। हमारी 10 से 12 बहनें जो लव जिहाद का शिकार हुई थी उसमें से 4 से 5 बहनें तो हमारे पास वापस आ चुकी हैं, प्रशासन के माध्यम से उन्हें हमने वापस ले लिया है। बाकी अभी भी 4 से 6 बहनें ऐसी हैं जो लव जिहाद का शिकार हैं। उनके साथ साथ काफ़ी ग्रामीण में भी ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। सूचना के अंतर्गत प्रशासन को अवगत करा दिया है। हमारी बहनें जब तक हमें नहीं मिलेगी अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पर यहाँ बैठे रहेंगे। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट।